Hello, my dear students. Today's date 6/5/2020. Day Wednesday. Subject English Grammar, Class 3. Book The Grammar Right Book, Chapter 4. So let's see what is the chapter. In the last class, we were reading about degrees of comparison, right? We were reading about positive degree, comparative degree, and superlative degree. हम लोग लास्ट क्लास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? क्या क्या पढ़े? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री क्या था? जो अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए जो जो एडजेक्टिव हम खुद को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. और कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या है? जिसको हम दो पर्सन के बीच डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कॉम्पिटिटिव डिग्री बोलते हैं. और जो एडजेक्टिव हम मोर देन टू पर्सन के बीच डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. और हम क्या पढ़े थे? कॉम्पिटिटिव डिग्री में एडजेक्टिव में क्या ऐड होता है? ER. और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में क्या ऐड होता है? EST. एंड कॉम्पिटिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है? देन. और सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है? द. ये सब कुछ चीज़ें थे जो हमें याद रखना था और ये हम पढ़ने के लिए बोले थे आपको. चलिए आज हम एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं. ओके, लेट्स क्रैक इट. नंबर वे, राइट द कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स. आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म लिखना है ये एडजेक्टिव का. यहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है. आपको कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव लिखना है, ठीक है? पॉजिटिव में जैसे लॉन्ग, LONG, लॉन्ग. तो कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर. और सुपरलेटिव में लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट. SMART, स्मार्ट. कॉम्पिटिटिव में स्मार्टर, SMARTER, स्मार्टर. एंड सुपरलेटिव में स्मार्टेस्ट, SMARTEST, स्मार्टेस्ट. पॉजिटिव में लोअर है, पॉजिटिव में लो है तो कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? लोअर, LOWER, लोअर. सुपरलेटिव में लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट. एक्सक्यूज मी. पॉजिटिव में शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट. कॉम्पिटिटिव में शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर. सुपरलेटिव में शॉर्टेस्ट, SHORTEST, शॉर्टेस्ट. ओके, पॉजिटिव में क्या है? ग्रेट, GREAT, ग्रेट. कॉम्पिटिटिव में क्या है? ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर. सुपरलेटिव में क्या है? ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट. सो एडजेक्टिव यूज मोर टू फॉर्म द कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड मोस्ट टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री. ओके, चलिए इसको पढ़ने के पहले और एक बार हम एक चीज़ बोलते हैं आपको. देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है? सर, लॉन्ग, स्मार्ट, स्लो, शॉर्ट, ग्रेट, ये जो वर्ड्स है, आप इसे कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ER. हम जैसा आपको बोल रहे थे, जैसा कॉम्पिटिटिव में अगर आपको पॉजिटिव को अगर कॉम्पिटिटिव में बदलना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा एडजेक्टिव के बाद? ER. अगर उसे आपको सुपरलेटिव में बदलना तो क्या ऐड करना पड़ेगा? EST. ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं. सम एडजेक्टिव्स यूज मोर टू फॉर्म द कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड मोस्ट टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री. देखिए बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसको हम ER और EST लगा के हम चेंज नहीं कर सकते. उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मोर. कॉम्पिटिटिव डिग्री में एडजेक्टिव को लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोर. और सुपरलेटिव डिग्री में उसे चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट. तो हम लोग क्या एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं? मोर. और कॉम्पिटिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं मोस्ट. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया पॉजिटिव, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल. ओके, इंटेलिजेंट कॉम्पिटिटिव में मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. इसे ध्यान दीजिएगा, सब हम लोग पॉजिटिव में हम लोग ER, EST यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही मोर और मोस्ट. आपको यहाँ पे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ओके, चलिए नंबर बी, टिक द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर ए सेंटेंस. यहाँ पे आपको सही एडजेक्टिव आपको टिक करना है, ठीक है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको टिक करना है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है. नंबर वन, द वर्क इज डैश देन दैट. मोर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंटर. हम तो पहली बार इम्पॉर्टेंटर सुन रहे हैं, पर मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक सही आंसर होगा. दिस वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट. गॉट इट. नंबर टू, इज योर ब्रदर डैश देन यू. मोर यंग, यंगर. मोर यंग हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, यंगर इस्तेमाल करते. तो इज योर ब्रदर यंगर देन यू. ओके. नंबर थ्री, दिस मैंगोज आर डैश देन एप्पल्स. मोर स्वीट, स्वीटर. नंबर फोर, हर राइटिंग इज डैश, नीटर एंड नीटेस्ट.
her writing is the neatest, okay, because there is the, so we'll put neatest. Number 5, she is the dash runner in the class. She is the fastest because there is the, so we know that before adjective, if there is the, then you have to put the superlative degree, that is fastest. For fast, fastest is the superlative degree. She is the fastest runner in the class. Number 6, the sky looks dark tonight. The sky looks more beautiful or beautiful. The sky looks beautiful tonight because there is no than or the, so we'll put just the positive degree. The sky looks beautiful tonight. Number 7, this is the dash book I have ever read. This is the so we'll put the superlative degree. This is the most boring book I have ever read. So in this way you have to solve this, okay. You have to take the degree of adjective. यहाँ पे जो भी degrees of adjectives है, जो sentence के हिसाब से suitable है, उसे आपको tick करना है, ठीक है? यहाँ पे जो आपको suitable लगेगा, जो भी degree sentence के हिसाब में, उसे आपको tick करना है, ठीक है? जैसे number 1, फिर से हमारे एक बार आपको answer बोल रहे हैं, this work is more important than that. Is your brother younger than you? Okay? These mangoes are sweeter than apples. Number 4, her writing is the neatest. Number 5, she is the fastest runner in the class. Number 6, the sky looks beautiful tonight. Number 7, this is the most boring book I have ever read. So in this prakar se aapko ye let's crack it A or B solve kijiyega, okay? So first you read this chapter, try to understand the chapter, and you do this, okay? A and B. So this is for today. Thank you.